नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन वड़गुती स्वागत करता हूं आपका पुनः एक बार फिर 15 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसके जीएस और जीके का एनालाइज लेकर। यानी 15 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें जीएस और जीके के क्या क्या प्रश्न रहे, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा फैक्ट पे चलते हैं। जो प्रश्न आज की परीक्षा में बने हैं थर्ड शिफ्ट में उनको देखते हैं। अगर आपने इससे पहले जो भी हमारी 14 नवंबर की सारी शिफ्ट हैं और 15 नवंबर की आज की जो पहली शिफ्ट है नहीं देखी है तो सबसे पहले उनको जाके देखिए। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकें। क्योंकि अगर आपने ये जो टॉपिक है जहां से प्रश्न बनने, अगर इन टॉपिकों को भी कर लिया तो आपको आगे आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये वीडियो आपके लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं और अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैंने यहां पर टॉपिक वाइज आपके लिए एनालाइज किया है। एक एक चीजों को बिल्कुल अंत तक समझिएगा। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं, जो पहला टॉपिक आता है वो भारतीय इतिहास में जो आज के प्रश्न बने हैं थर्ड शिफ्ट में वो प्रश्न कौन कौन से हैं। यानी भारतीय इतिहास में सबसे पहला प्रश्न जो है वो है कि हाथी गुंफा अभिलेख की भाषा। भाई अगर मैं बात करूं कि जो हाथी गुंफा अभिलेख है, सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि यह किससे संबंधित है। भैया हाथी गुंफा अभिलेख किससे संबंधित है? भाई ये 13वें शिलालेख से संबंधित है। 13वां शिलालेख, भाई किसका शिलालेख है ये 13वां शिलालेख? ये भैया आपका किसका है? अशोक का है। और जो इसकी भाषा थी वो भाषा इसकी कैसी थी भैया? प्राकृतक भाषा थी। कैसी भाषा थी भैया आपकी? प्राकृतक भाषा थी। जो आज आपका पहला प्रश्न है वो ये है। सेकेंड अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच जो संबंध हैं, यानी जो आपका इल्तुतमिश है इसके बीच जो संबंध थे वो कैसे थे? यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था और बाद में ये क्या बन गया था भैया? अगर संबंध की बात करूँ ये इसका दामाद बन गया था। तो संबंध क्या बनेंगे भैया? दामाद के संबंध बनेंगे। एक प्रश्न ये था। तीसरा जो प्रश्न बना था आपकी परीक्षा में अगर मैं बात करूँ भाई तो कौन सा था? यानी आपका तीसरा प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना से रिलेटेड था। अब आर्य समाज की स्थापना में चाहे तो आपसे क्या पूछ लिया जाए भाई? स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई थी। कहाँ हुई? तो भैया आपकी कहाँ हुई? मुंबई में हुई। किसने की? तो भैया दयानंद सरस्वती ने की। किसने की भैया? दयानंद सरस्वती ने की। तो ये आपके कितने प्रश्न हुए? पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा मैं बात करूं, एक प्रश्न आपका एनी बेसेंट से आया है भाई। किससे आया है? एनी बेसेंट से आया है। इसको एक बार, लेकिन बच्चा पूरी तरह इसको नहीं बता पाया है कि जो एनी बेसेंट से प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न है क्या। आगे मैं अगर बात करूं, जो अगला प्रश्न है वो सांझा के समय में विद्रोह की बात कर रहा है। किसके समय की बात कर रहा है भाई? मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं या सेकंड स्लाइड ही ले लेता हूं या इसको मैं एक बार मूव करके देखता हूं। अगर मूव हो जाए ये, भाई एक बार हो जाओ यार दोस्त, भाई ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक बार यही करते हैं। एक जो प्रश्न है सांझा के समय की विद्रोह की बात कर रहा है वो, यानी जो सांझा के समय, सांझा देखो अगर पूछता सांझा के समय में जो विद्रोह किया था वो किसने किया था, तो जो इसका बेटा है यानी जो खुर्रम था उसने किया था। जबकि मैं दूसरी बात करूं कि जो विद्रोह जगह की पूछता है तो एक मालवा में विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार का होगा। लेकिन जो बच्चा है वो सांझा का विद्रोह ही बता पाया, पूरा क्वेश्चन वो नहीं बता पाया है। अगर मैं आगे बात करूं, एक तत्वबोधनी पत्रिका की बात करी है, यानी जो तत्वबोधनी पत्रिका है वो किसके बारे में बात की गई, यानी उस पत्रिका के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी की गई होगी कि किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था या कुछ और, या समय पूछ लिया गया था तो कितना समय था भैया? 1839। ठीक है, आगे मैं बात करूं, एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाली बात पूछा गया, यानी अगर मैं बात करूं ये प्रश्न जो बना होगा मेरे हिसाब से वो किससे बना होगा, यानी सुधार से बना होगा, चेम्सफोर्ड। तो ये भैया कब से कब तक था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी 1919 वाला जो अधिनियम
नेम था वो 1919 के आधार पर ही बना था, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो हमारे प्रश्न बनते हैं, पहला हाथी गुम्फा अभिलेख, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, और कौन सा इल्तुतमिश यानी जो उसका दामाद था, आर्य समाज एक प्रश्न, एनी बेसेंट, शाहजहां और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और तत्वबोधनी पत्रिका। लगभग आपके 6 से 7 प्रश्न आपके कहां से बने हैं भैया, यानी 6 से 7 क्वेश्चन जो बने भारतीय इतिहास से बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भाई, यानी अब चलते हैं भूगोल में क्या क्या प्रश्न बने हैं। अगर मैं भूगोल की बात करूं भाई, अगर मैं भूगोल की बात करूं तो भूगोल में देखते हैं, भूगोल में अब की बार एसएससी कम प्रश्न पूछ रही है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं पहला प्रश्न, उन्होंने जो सबसे पहला पूछा है कि समुद्र तल के नीचे, यानी अगर हम समुद्र तल के नीचे चलते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, नीचे चलते हैं तो दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो दबाव क्या है, सीधा सीधा बढ़ जाएगा भैया, क्या है, बढ़ जाएगा। अब आप समझ पा रहे हो ना ये किसकी बात कर रहा है, एक तो होता है तल ये वाला ऊपर वाला, और एक होता है ये नीचे वाला नीतल, यानी ये इस वाले तल की बात कर रहा है, और यहां तक जब चलते हैं नीतल की ओर तो जो दबाव है वो कैसा है, बढ़ जाएगा। तो जो एक प्रश्न था आपका समुद्र तल के नीचे दबाव से था। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं तो एक मच्छू नदी के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, मच्छू की सहायक नदी है। अब ये मच्छू की जो सहायक नदी है वो किस पर डिपेंड करेगी, के ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं। और मैं अगर एक बात करूं तो महासागरीय धारा से प्रश्न बना है, किससे बना है भाई, महासागरीय धारा से प्रश्न बना है। बच्चा महासागरीय धारा बता पाया है, या तो क्या पूछा होगा, गर्म धारा या ठंडी धारा, क्या पूछा होगा, गर्म धारा या दूसरी ठंडी धारा, या क्या पूछा जा सकता है, इनका तापमान पूछा जा सकता है, या क्या पूछा जा सकता है, इनकी दिशा पूछी जा सकती है। इनमें से कुछ भी प्रश्न परीक्षा में बन सकता है। और अब की बार मैं बात करूं तो भूगोल से बहुत कम प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। आगे मैं बात करूं भी, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राज व्यवस्था की। अगर मैं बात करूं भारतीय राज व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षा में बन रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था से ठीक ठाक प्रश्न बन रहे हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले 2 संशोधन पूछे गए हैं, एक आपका 11वां संशोधन पूछा गया है, 11वां संशोधन, 11वां संशोधन किससे संबंधित था भाई, एक बार देख लेते हैं, 11वां संशोधन नहीं है ये, 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 11वां किसके द्वारा जोड़ा गया था भैया, 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 2002 में। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, जो आपके 6 वर्ष से जो ऊपर बच्चे हैं, 6 वर्ष के ऊपर बच्चों के लिए क्या दिया गया था, निःशुल्क किसका प्रावधान किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन करेंगे, माता पिता करेंगे, ये कर्तव्य होगा। तो एक प्रश्न ये है। दूसरा 86वां संविधान संशोधन 2002 से एक प्रश्न और था, यानी इससे आपके 2 प्रश्न बने थे, लेकिन बच्चे नहीं बता पाए हैं कि एक प्रश्न ये था फर्स्ट प्रश्न, और दूसरा जो सेकंड प्रश्न है वो क्या था, वो बच्चे नहीं पता कर पाए हैं। अगर मैं तीसरा बात करूं विधान परिषद के सदस्य, यानी अगर मैं बात करूं, यानी जो थर्ड पर्सन है, विधान परिषद का जो सदस्य होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी रहती है, विधान परिषद का जो सदस्य रहता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी रहती है भैया, 30 वर्ष ही रहती है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो, चाहे वो किसकी बात हो, विधान परिषद की बात हो। आगे मैं बात करूं अनुच्छेद से भी प्रश्न बने हैं, अब की बार जो अनुच्छेद पूछा गया है आपका वो अनुच्छेद 166 पूछा गया है, कौन सा पूछा गया भैया, 166 अनुच्छेद से प्रश्न बनी रहे हैं। एक J.S. वर्मा कमेटी पूछी गई है, कौन सी पूछी गई है भैया, J.S. वर्मा कमेटी किससे संबंधित है, और ये J.S. वर्मा कमेटी महिलाओं से रिलेटेड थी। अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया गया, यानी क्या चीज वो पूछना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बने आपकी थर्ड शिफ्ट में बने। आगे चलते हैं, मैं अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं
किसकी बात करूं भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रश्न बने देख लेते हैं भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहला प्रश्न जो है वो इस्माइली योजना से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भैया? इस्माइली योजना। अब ये जो इस्माइली योजना से जो प्रश्न बना है वो क्या बना है कि कब शुरू की गई है, तो ये अगर मैं बात करूँ रिकॉर्ड के अनुसार 2022 में शुरू की गई है। तो नई योजना भाई पूछी जा रही है, अब तक गरीब कल्याण योजना पूछ ली है, आपकी जनधन योजना पूछ ली है, पीएम आवास योजना पूछ ली है, तो इनको जरूर एक बार याद रख लीजिएगा। दूसरा सेकंड में बात करूं 1969 में जो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे प्रश्न बनना है भैया, राष्ट्रीयकृत बैंक। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक में यह समझ नहीं आया तो क्या पूछा है कि कितने बैंक पूछे हैं, यानी यह कलेक्ट नहीं हो पाया पूरी तरीके से कि प्रश्न बना क्या है। अगर मैं बात करूं पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का। उसके बाद 1980 में कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों का, यानी 6 बैंकों का हुआ था। तो प्रश्न क्या हुआ है ये समझ नहीं पाए, लेकिन बैंकों से प्रश्न है। आगे मैं बात करूं एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से प्रश्न बना है भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, जिनको किस नाम से जाना जाता है, RRB के नाम से जाना जाता है। कहाँ की गई थी पहले की भैया? मुरादाबाद की गई थी। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न बना है, ठीक है। ये अभी तक लगभग 3 से 4 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं हर सेट में, तो एक बार ये भी जरूर देख लीजिएगा। एक आपका इस्माइली योजना है, दूसरा 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रश्न है, और तीसरा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से प्रश्न है। आगे मैं बात करता हूँ भाई, आगे नेक्स्ट चलें तो विविध की ओर चलते हैं भाई, विविध की ओर चलते हैं। विविध से क्या क्या प्रश्न बने हैं, मिसलेनियस से क्या क्या बना है, और मिसलेनियस से प्रश्नों की संख्या हर बार से ज़्यादा अब की बार SSC उठा रही है। जैसे सुनील गावस्कर की आत्मकथा के बारे में बच्चों ने बताया है, सुनील गावस्कर भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी है भैया? सन्नी डेज। लेकिन एक आत्मकथा और पूछी गई है क्रिश गेल की भैया, क्रिश गेल की। और क्रिश गेल को जानते हो आप, किस क्या आत्मकथा है भैया? सिक्स मशीन के नाम से उनको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिक्स मशीन, तो उसी के नाम पर उनकी आत्मकथा का नाम भी है। आगे मैं बात करूं, 2 पुस्तक हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूछा है भैया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भैया इसकी शुरुआत अब कब की गई है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? पहले तो इसका नामकरण भी किया गया है, एक ये भी प्रश्न बता रहे हैं कुछ बच्चे, तो कब किया गया है इसका? 21 में किया गया है, 2021 में। और जब किया गया होगा, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो किस नाम पर की गई थी भैया? मेजर ध्यानचंद। लेकिन इसका नामकरण कर दिया गया है किसके नाम पर? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। वो कब किया गया था? 1991 में इसको शुरू किया गया था। तो ये एक प्रश्न बना है, सुनील गावस्कर, क्रिश गेल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। आगे मैं बात करूं, जनगणना से हर बार प्रश्न बन रहा है भाई, सेंसस से बार बार प्रश्न बन रहा है। अब की बार जो पूछी है वो पुरुष साक्षरता दर पूछी है। क्या पूछी है भैया आपकी? पुरुष साक्षरता दर पूछी है। अगर मैं बात करूं किसकी है भैया? केरल की है। तो ये भी प्रश्न आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या बन रहे हैं? एक लखा खां पूछा है, लखा खां कहाँ से संबंधित है? लेकिन ये लखा खां जो व्यक्तित्व है ये राजस्थान के हैं भैया। कहाँ के भैया? राजस्थान के। एक प्रश्न ये है, दूसरा शांताराम नृत्यकार जो कहाँ से संबंधित हैं? शांता राव एक नृत्यकार हैं, वो पूछे गए हैं कहाँ से हैं भैया? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से। भैया कहाँ पढ़ते हैं आपका? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। आगे चलें भाई हम, अगर शतरंज की एक क्या पूछी है? संस्था पूछी गई है, यानी शतरंज को जो ऑर्गेनाइज कराती है वो कौन कराती है, ऐसा कुछ समझ में आया। तो कौन कराती है भैया? फीडे कराती है। आगे मैं बात करूं, अगर खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, खेलो इंडिया इनसे एक प्रश्न था, खेलो इंडिया
खेलो इंडिया शीतकालीन गेम से भाई प्रसन्न था, लेकिन बच्चे नहीं बता पाए कि किस से रिलेटेड था। ये पूछा था कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ये प्रश्न आपके बच्चे हैं। अगर मैं संस्करण इन्होंने दिया गया है, तो अगर संस्करण की बात करूँ तो ये शीतकालीन या तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख में एक में होगा, फर्स्ट या सेकंड अगर पूछा होगा, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा होते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका आज का जो आपकी 15 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट है, उसमें ये पूछे गए, लगभग हमें जो आंकड़ा मिला है, लगभग 40 क्वेश्चन हमको बच्चों के द्वारा अलग अलग रिव्यू के आधार पर मिल चुके हैं। हमारी टीम कल भी बच्चों के बीच रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकली कारणों से आज उनकी जो रिव्यू है हमारे तक नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन उनको कलेक्ट कर लिया गया है, कल एक साथ आपके पास तक पहुँच जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको जरूर मिलने चाहिए, लेकिन ये चीजें आपको बिल्कुल मिलेंगी, कंटिन्यू मिलेंगी, क्योंकि आपको ये पता लग सकता है कि आगे हम किस बेस पर तैयारी आगे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक अच्छी जीएस की एनालिसिस के साथ। तब तक अपने आप का विशेष ध्यान रखिएगा, मौसम परिवर्तन का दौर चल रहा है। थैंक यू।